सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ सब्सक्राइबर्स का आर्ट रिव्यू। तो कुछ लोगों ने मुझे अपने आर्ट वर्क्स भेजे एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम, और जिन्होंने नहीं भेज पाए या फिर मुझे नहीं मिले, आई एम सो सॉरी, बट कोई नहीं। जितने लोगों ने भी भेजे, आज मैं उन्हीं का आर्ट रिव्यू करने वाली हूँ। और पहले ही बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को मार्क्स नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ जो आपको जज करूँ। बट हाँ, मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बता सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं कुछ आपको टिप्स बता दूंगी, आप उस हिसाब से अपने आर्ट वर्क्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट। तो ये आर्ट वर्क्स हमको भेजे हैं दीप्तेंद्रू ने, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और उनके आर्टवर्क्स को पहले देख लेते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी। आपने जो ये आर्टवर्क बनाया है, जो आपने पीस ऑफ आर्ट यहाँ पर ड्रॉ किया है, वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी हद तक आपने रियलिस्टिकनेस दी है इसमें, और कंपोजिशन भी काफ़ी अच्छा है। आपने स्मूथनेस, ब्लेंडिंग वगैरह का सबका ध्यान रखा है, और वेरी गुड। इस चीज़ के लिए आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और जो चीज़ें मुझे लगी थोड़ा सा आपको सुधार करने की इसमें ज़रूरत है, वो थोड़ा सा आपको आईज़ में ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक जो आपने ये आई को ड्रॉ किया है, वो लेफ्ट, आई मीन लेफ्ट आई है, लेफ्ट लेफ्ट आई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हाथ का कंपोजिशन, हाँ, हाथ में जो कंपोजिशन है, जो यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। बाकी तो आपने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है एंड कंग्रेचुलेशन। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्ट वर्क की। इन्हीं का नेक्स्ट आर्ट वर्क भी इन्हीं का ही है। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी कंपोजिशन दी है, मैं कहूँगी। और सबसे अच्छी बात जो कलर्ड पेंसिल में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है ब्लेंडिंग। इन्होंने अपने दोनों आर्ट वर्क्स में ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की है। मुझे यहाँ पर पेंसिल स्ट्रोक्स कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इम्प्रूवमेंट के साथ और भी अच्छे बन सकते हैं। और मैं इसमें कोई कमी नहीं बताना चाहूँगी, बस यही बोलना चाहूँगी कि लगे रहो। तो नेक्स्ट आर्ट वर्क है नेहा पाटिल की तरफ से, और इन्होंने ड्रॉ किया है जिमिन को। काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया है, आई मीन तारीफ तो बनती है खैर इसके लिए। और अगर ओवरऑल आप देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा लाइक रियलिस्टिक लुक आ रहा है। बट अगर हम बात करें इसको जूम करके देखने की, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ओवरऑल आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा है, ऑफेंड मत होना। बस जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है, वो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि आपने यहाँ पर जो कर्व्स दिए हैं स्लीव्स में, और यहाँ जो कर्व्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और ब्लेंडिंग के स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपको स्ट्रोक्स नहीं बिल्कुल नज़र आएंगे, और वो एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग होगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ना, इसमें नहीं करना कुछ भी। नेक्स्ट जो भी आर्ट वर्क आप ड्रॉ करें, आप ध्यान दें उस पर ब्लेंडिंग। सबसे अच्छा ब्लेंडिंग का तरीका है, आप ब्रश वगैरह ले सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर ले सकते हैं। धीरे धीरे करके उसे ब्लेंड करिए, और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, बिलीव मी। और एक बात का ध्यान रखना है कि आप पहले ही डार्कर शेड्स ना दे दें, क्योंकि डार्कर शेड्स देने से ही पेंसिल के स्ट्रोक्स बन जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार यही होता है कि मैं फेस में बहुत अच्छा ड्रॉ कर देती हूँ, बहुत अच्छे यू नो ब्लेंड कर देती हूँ, बट नीचे आते आते मैं एकदम पेंसिल स्ट्रोक्स ज़्यादा दे देती हूँ, तो इस वजह से पेंसिल स्ट्रोक्स नज़र आते हैं। तो उनको फिर बाद में आप कितना भी ब्लेंड करेंगे, वो ब्लेंड नहीं होंगे। तो पहले ही अच्छा है प्रिकॉशंस लें, और आप पहले ही लाइट ड्रॉ करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ आप नेक्स्ट वाले के साथ अप्लाई करना चाहूँगी। मैंने नेक्स्ट वाला आर्ट वर्क देखा आपका, और मैं यही बोलना चाहूँगी आपका कंपोजिशन वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा है। आप कंपोजिशन बहुत अच्छा ड्रॉ करते हैं, मतलब आर्ट वर्क जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही ड्रॉ कर देते हैं। बट आपको तो नेक्स्ट आर्ट वर्क है पायल वर्मा की तरफ से। तो
तो थैंक यू भाई, आपने मुझे ये सेंड किया, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस आर्टवर्क को देख के मैंने मुझे अच्छा लगा, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ ही हमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो जैसे कि आपने ये वाला राधा वाला पिक सेंड किया है मुझे, मैंने इसमें देखा कि लग रहा है कि हाँ राधा की आइज होंगी, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आपको थोड़ा सा कंपोजिशन में ध्यान देना पड़ेगा, और आई नो एक दिन में नहीं होगा, बट टाइम के साथ आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और शेडिंग, नेक्स्ट इज शेडिंग, शेडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर जैसे कि आपको कंपोजिशन इतना अच्छा नहीं आता है, तो अगर आप शेडिंग अच्छी कर देते हैं तो वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा कंपोजिशन पे और शेडिंग पे ध्यान देंगे। आई नो कि अगर आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा आपसे। और अगर हाँ कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन है आपको पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको शेयरिंग वगैरह के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं आर्टवर्क्स के साथ साथ आपको ट्यूटोरियल्स भी दे दिया करूंगी, जैसे कि बिगनर्स के लिए। और आप बता देंगे तो मैं कलर पेंसिल्स और पेंसिल आर्टवर्क्स दोनों के लिए कर दूंगी। वैसे मैं अभी आर्टवर्क्स नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसको ड्रॉ करने में, बनाने में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, पर देखने वाला कोई नहीं है। तो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। मैं ट्राई करती हूँ और अच्छा ड्रॉ करने का, ताकि लोगों को पता चले, लोग देखें, लेकिन लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है। पता नहीं क्यों, वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो इसी वजह से मैं ड्रॉ करती हूँ बट उसका वीडियो नहीं बनाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ो। तो अब नेक्स्ट आर्टवर्क की बात करते हैं। तो इन्होंने बनाया है शिव जी का हाथ और माँ पार्वती का पैर। ओके, तो काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया है, कंपोजिशन अच्छा है, और आई लाइक इट, टू गुड एंड कीप इट अप। तो अब बारी आती है नेक्स्ट आर्टवर्क की। तो नेक्स्ट आर्टवर्क है मुस्कान के। तो मुस्कान ने हमको कुछ आर्टवर्क्स अपने सेंड किए हैं, और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कार्टूनिस्टिक चीज़ें ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप काफ़ी सही जा रहे हैं, वेरी गुड। पर आप रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो आपका फर्स्ट आर्टवर्क जो मैंने देखा, आईफिल टावर वाला, काफ़ी अच्छा कंपोजिशन आपने, आप आईफिल टावर बहुत अच्छा ड्रॉ किया है। साइड में एक लड़की भी खड़ी है, काफ़ी लो दीदी अब निकला यहाँ से, बाद में आना। तो मैं कहाँ थी, तो उसमें है ना थोड़ा सा, अगर आप कलर यूज़ करने वाले हैं, कलर पेंसिल्स यूज़ करने वाले हैं, या किसी भी तरह का शेड कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आपको कैसा स्टाइल पसंद है। अगर आप रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को एकदम एग्जैक्ट पेपर पे उतारना चाहते हैं, तो इट्स ओके, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप कर सकते हैं क्योंकि आपको आर्ट पसंद है। तो मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, बट ज़रूरी है कि आप उसे ट्राई कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, और कीप इट अप अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो। पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे और कुछ अच्छा ही सिखाने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि मुझे आवाज़ बाद में रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि एक साथ में अगर करूँगी तो बहुत सारी इधर उधर की आवाज़ें आती रहेंगी, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे भाई शोर मचाते रहते हैं, तो मुझे उनका जाने का, इधर उधर होने का इंतज़ार करना पड़ता है, ताकि मैं थोड़ा सा आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूँ। और अगर साथ के साथ रिकॉर्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। और काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, मैं काफ़ी चीज़ें बता नहीं पाती हूँ उस रिकॉर्डिंग के ज़रिए, जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि वीडियो पहले ही एडिट हो चुकी होती है और मैं बाद में वॉइस रिकॉर्ड करके डाल रही होती हूँ उसमें। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैच नहीं हो रही हैं, पर देखते हैं, ट्राई करेंगे आगे क्या करना है। पर तो होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। एंजॉय के लिए क्या है, बस मैं थोड़ा सा बकवास कर रही थी, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।